अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने अप्लाई करना है एएसएफ में। स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अप्लाई का प्रोसेस क्या है, एएसएफ में अप्लाई हमने किस तरह करना है, इंस्पेक्टर की जॉब आई हुई है, उसके बाद आपके सेकंड नंबर पर स्टूडेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आई हुई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, एएसएफ में जो स्टूडेंट इंस्पेक्टर की जॉब हासिल करनी है 16 स्केल की, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब हासिल करनी है 17 स्केल की, उसके हवाले से अप्लाई का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपने तैयारी कहाँ से करनी है, टेस्ट आपका कब होगा, उसके हवाले से भी आपको गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एएसएफ में इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले अप्लाई का प्रोसेस आपका यही है कि आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को जाएंगे, विजिट करेंगे, उधर आपको सबसे पहले आपने उधर से चालान डाउनलोड करना है। अप्लाई से पहले ही आपने चालान डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसको नेशनल बैंक में पे करना है, क्योंकि इंस्पेक्टर की जो है 16 स्केल की, इसकी जो फी होगी आपकी वो 300 की होगी। तो 300 रुपये का आपने चालान नेशनल बैंक में पे करना है। बैंक वाले आपको चालान पे करने के बाद आपको जो कापीज दे देंगे, उस पर आपका जो है वो कोड भी एक लिख के देंगे, ब्रांच कोड भी वो लिख के देंगे। वही आपने जब अप्लाई करेंगे तो वो कोड आपने अप्लाई करते वक्त इंटर करना होगा। उसके बाद आपका अप्लाई का प्रोसेस कम्प्लीट होगा। जो चालान आप बैंक में पे करेंगे उसको आपने संभाल के रखना है। वो आपका टेस्ट सेंटर, जिस दिन आप टेस्ट सेंटर जाएंगे टेस्ट देने, उस दिन आपने वो लेके जाना होगा। तो सबसे पहले आप चालान बैंक में पे करेंगे। चालान आपने फिल जो है वो केयरफुली करना है। उसमें जो है वो आपका चालान को जो फिल करना है आपने, एफ जो है वो सबसे, अगर आप चालान को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ऊपर अगर वो जिधर जॉब पूछते हैं कोई कौन सी जॉब है, उधर आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देख लेना है। तो एफ डैश लिखा हुआ तो उधर आपने 14 लिखना है, आगे 2024 लिखना है। तो वो एडवर्टाइजमेंट पे आपको जो है वो नजर आ जाएगा कि कौन सी रैंकिंग की पोस्ट है, क्या लिखना है, 2024 लिखना है। एफ उधर लिखा हुआ चलान के ऊपर, तो उसको आपने फिल करना है। आपका जो बैंक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे अपना, आप CNIC नंबर लिखेंगे, तो बैंक में जाकर पे करेंगे। उसके बाद आपने अपना जो एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर आ जाना है। उधर आपने अपना डाटा एंटर करना है, आपका जो है उसके लिए अप्लाई के लिए आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, आपके इंटर FSC पार्ट 2 का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद आपका डोमिसाइल, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका जो ग्रेजुएशन के जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए होगी, क्योंकि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो डेट ऑफ इशू है वो उन्होंने अप्लाई करते वक्त जो है वो पुट करनी होगी, जो आप जिनसे आप अप्लाई करवाएंगे। तो अप्लाई का प्रोसेस भी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी अप्लाई कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। तो बाकी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको सिंपली बता दिया। आप मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले आप चालान डाउनलोड कर लें, बैंक में पे कर दें, उसके बाद आप घर बैठ के खुद भी इसमें जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी रह गई बात आपकी तैयारी के हवाले से, पिछले पास्ट पेपर्स वो आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। पेपर पैटर्न मैंने कल इसी चैनल पर शेयर किया था, कोई किस सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज होंगे मैंने आपको कल इसी चैनल पर बताया था, उसको जाकर चेक कर लें। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आपके पूछ रहे थे उनकी तैयारी के हवाले से नोट्स वगैरह शेयर कर दें। स्टूडेंट्स जो नोट्स वगैरह अगर आपने लेने हैं तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के ऊपर आपको नंबर दे दूंगा, उसको जाकर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप नोट्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा। अगर आप ऑर्फन स्टूडेंट्स होंगे तो आपसे जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कास्ट भी शेयर कर दिए जाएंगे। काफ़ी जो है वो मेहनत के बाद हमने नोट्स तैयार किए हैं, काफ़ी टाइम लगा है हमारा पास्ट पेपर्स में से, खासतौर पर मोस्ट पीरियड 2009 से लेकर जितने भी पास्ट पेपर्स में से अहम MCQs है वो हमने जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं, वो हम आपसे जो है वो शेयर कर देंगे। अगर आपने तैयारी करनी होगी तो उसको भी आप जो है वो, अगर आप वाकई इंस्पेक्टर की जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपकी कमांड है जनरल नॉलेज पे, इस्लामिक स्टडीज़ के, आपके मैथमेटिक्स पे, तो आप इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे इंटरव्यू वगैरह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी मजीद आप स्पीड जैसे ही आएंगी आपकी टेस्ट डेट के हवाले से आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।